जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव जब से 32 साल पुराने मामले में जेल भेजे गए हैं, तब से लगातार जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं काफी ज्यादा आक्रोश में दिख रहे हैं। वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो हर प्रकार से, हर विधि से अपने प्रिय नेता पप्पू यादव को जेल से छुड़ाने की कवायद में लगे हैं। लगातार उनकी कोशिश है कि कुछ भी ऐसा हो कि वो जेल से बाहर हो जाए, उन्हें रिहा कर दिया जाए। लगातार जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता कुछ न कुछ तरकीब अपना रहे हैं। हर रोज वो कुछ न कुछ जरूर करते हैं अपने नेता की वापसी के लिए। उनका कहना है कि उनके नेता पप्पू यादव, जो कि बिहार के सच्चे सेवक थे, कोरोना के संक्रमण काल में उन्होंने लोगों की सहायता की। ऐसे समय में जबकि एक दूसरे को छूना भी अपने आप में बहुत मुश्किल काम था, ऐसे वक्त में भी वो कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों की सहायता कर रहे थे। लगातार उन्हें मुफ्त में भोजन करा रहे थे। ये कहना है जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का। ऐसे में उन्हें जेल भेज देना अपने आप में एक बहुत ही असामाजिक काम है और ये असामाजिक काम बिहार सरकार कर रही है, यह आरोप लगाया है जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और आज इसी कड़ी में उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत तरीका तलाशा है बिहार सरकार के विरोध का। आज जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे गंगा नदी के बीचों बीच, जी हां गंगा नदी के बीचों बीच पानी में डूबकर सरकार का विरोध करते नजर आ रहे थे, सरकार का विरोध करते नजर आ रहे थे। उनका कहना था कि हम किसी भी सूरत में अपने नेता को जेल के अंदर नहीं रहने देंगे। उनका कहना था कि आज हम गंगा नदी में डूबकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर अगर जरूरत पड़ी तो हम आगे आत्मदाह भी करेंगे। जनाधिकार पार्टी के नेता सच्चिदानंद, जिन्होंने बाइट दी हमें और बहुत कुछ बताया आज के इस प्रदर्शन के बारे में, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनते हैं। की निकम्मी जो सरकार है, जो विगत 28 वर्षों में हमारे माननीय सांसद जी को फरार घोषित किया, और जबकि वास्तविकता ये है कि जब फरारी उनकी घोषित की गई 1993 ईस्वी में, तो 1994 ईस्वी में वहाँ उनकी शादी हुई और वहाँ पूरे बिहार, पूरे देश के गणमान्य व्यक्ति वहाँ मौजूद रहे, और जो है वह 8 बार उन्होंने चुनाव लड़ा जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने 5 बार रहा। तो मैं माननीय नीतीश कुमार जी से यह मांग करना चाहता हूं, क्योंकि विधि व्यवस्था भी उन्हीं के पास है, तो क्या वह निर्दोष पुलिसकर्मी जो झूठ मूठ के फरारी जो घोषित किए हैं, क्या उन्हें वह निलंबित करने का काम करेंगे? और जो विगत जो किडनैपिंग का मामला है, वो खुद जिन्हें किडनैप किया गया उन्होंने भी कोर्ट में गवाही दे दिया, तो किस षड्यंत्र के तहत हमारे माननीय नेता राजेश रंजन पप्पू यादव जी को गिरफ्तार कर रखा गया है? यह जो है जुल्मों की अंबार है, क्या बिहार में फिर से नीतीश ही कुमार है? जल सत्याग्रह हम लोग कर रहे हैं। जल सेवक पप्पू यादव आज एक माह से जेलों में बंद है। उनका केवल एक ही कारण था, उन्होंने अपने शमशान तक लोगों को सेवा करने का काम किया, ऑक्सीजन देने का काम किया, दवा देने का काम किया, भेड़ देने का काम किया। और हम लोग इसलिए आज जल सत्याग्रह कर रहे हैं। अगर जल सत्याग्रह नहीं हुए तो इससे भी काम होगा।